बढ़ती प्रतिभाओं को एक मंच देने के लिए AGS काम कर रही है। साथ ही कई प्रदेशों में एक फैशन शो आयोजित किए गए हैं और उनको कई इनामों से भी नवाजा गया है। मुरादाबाद में भी एक शो आयोजित किया जाएगा जिसमें मिस्टर और मिस मुरादाबाद का खिताब लेने के लिए सभी को 10 जून को RSD एकेडमी में ऑडिशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि छुपी हुई प्रतिभा को एक मंच देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो बच्चे किसी कारणवश कुछ कर नहीं पाते हैं और उन इस मंच पर आकर वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और भविष्य में वो आगे बढ़ सकते हैं। AGS ग्रुप द्वारा शहर के कुंदन रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें निशा मौर्य ने मुरादाबाद नेक्स्ट टॉप मॉडल के बारे में जानकारी प्रदान की और क्राउन लॉन्च भी किया गया। इस अवसर पर AGS के निदेशक अमित गर्ग ने बताया कि बड़े मेट्रो शहरों में आसानी से बच्चों को अवसर मिलता है जबकि दूर दराज के शहरों में दिल्ली से बहुत कम लोग कार्यक्रम के लिए आते हैं, लेकिन AGS ग्रुप ने मुरादाबाद के लोगों के लिए इस शो का आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसमें मुरादाबाद की ही निशा मौर्य जी ने बहुत अधिक योगदान है। निशा मौर्य ने बताया कि प्रोग्राम में भाग लेने के लिए agsawards.com पर जाकर मिस्टर मिस और मिसेस कैटेगरी में फ्री रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑडिशन 10 जुलाई से शुरू होंगे और ग्रैंड फिनाले सितंबर माह में मुरादाबाद में ही किया जाएगा। विजेताओं को AGS की तरफ से क्राउन से सम्मानित किया जाएगा और आगे भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली से आए गेस्ट में मिस राइजिंग एशिया डॉक्टर नूपुर सक्सेना, गाहिमा के फाउंडर हिमांशु सिंह और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट माया वर्मा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। RSD के प्रिंसिपल डॉक्टर जी कुमार, एडवोकेट दीपक अग्रवाल और सुबोध भारद्वाज ने अपनी शुभकामनाएं दी। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, फैशन पे राइट है सबका, क्यों छुपा के रखा हुआ है इतना खुद को, ये सोच के कि हाँ भाई कोई हमें ये बोलेगा वो बोलेगा मॉडलिंग गंदी लाइन है ये है, ऐसा क्यों सोचते हैं सब, मेरे को समझ नहीं आता। आधे से ज़्यादा लोग की मतलब ऐसी थिंकिंग क्यों है कि मॉडलिंग अच्छी लाइन नहीं है। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पर जाओगे, सही जगह जाओगे, तो आपके लिए वो मॉडलिंग बहुत अच्छी लाइन है। ये मेरा खुद का मानना है, मैं भी यहीं से निकली हूँ, मुरादाबाद मेरा होम टाउन है एंड मैं भी अप्रॉक्स 40 शोज अब तक कर चुकी हूँ। तो मेरे हिसाब से गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड माय डियर लेडीज़ बी रेडी एंड कम एंड रॉक द शो। मैं बेसिकली MP से बिलोंग करती हूँ, जबलपुर की रहने वाली हूँ और आई एम अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन, मॉडल और एक्ट्रेस, और मैंने टाइटल्स जीते हैं प्रिंसेस ऑफ इंडिया 2018, मिस सेंट्रल इंडिया 2019, मिस राइजिंग एशिया 2019 और मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ डॉक्टर। क्या मानती हूँ जो आपका एक कार्यक्रम होने वाला है, कितनी इसकी गुणवत्ता मानती है, कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए बिल्कुल इसका फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि शोज़ होना आसान बात होती है लेकिन आप अपने शोज़ से आप अपने कमिटमेंट पे कितना रहते हैं वो बहुत मैटर करता है। और AGS के जितने भी शोज़ हैं आप कहीं भी देखेंगे उसके बारे में AGS हमेशा अपने कमिटमेंट पे बिल्कुल खरा उतरता है और जो वो कहता है शोज़ में विनर्स हो या पार्टिसिपेंट्स हो उनको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है पार्टिसिपेट करके। और जैसे कि आपको बताया है उन्होंने अमित सर ने भी कि जो भी विनर्स होंगे उनको पेड वर्क मिलेगा, शूट्स मिलेगा, ब्रांडिंग मिलेगी, तो डेफिनेटली वो मिलेगी और बाकी आगे उनकी कितनी मेहनत है वो भी डिपेंड करता है। इस अवसर पर गाहिमा के डायरेक्टर गाजेंद्र रावत, अभिषेक सिंह और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। अमित गर्ग और निशा मौर्य ने सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी स्टूडेंट निशा मौर्य फैशन वर्ल्ड में पैर रख चुकी हैं और अपने झंडे गाड़ चुकी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स दिल्ली एंड सराउंडिंग्स में कर चुकी हैं। अब ये एक नया प्लेटफॉर्म दे रही हैं यंगस्टर्स को अपना टैलेंट एग्जिबिट करने के लिए और ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी के लिए, तो मुरादाबाद में भी ये करने जा रही हैं। एंड जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं आप निशा मौर्य से इंस्ट्रक्शंस लें, उनसे गाइडेंस लें और मोटिवेशन लेके आगे आएँ और इस फील्ड में आगे आके अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। बेसिकली मेरी जो कंपनी है स्वदा एजुकेशंस प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग एजुकेशनल डोमेन में काम करते हैं। इसी में हमारा एक डिवीज़न है ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग का, जिसका AGS के नाम से AGS ग्रूमिंग एकेडमी। इस ग्रूमिंग एकेडमी हम लोग पर्सनैलिटी और इमेज कंसल्टेंसी पर काम करते हैं। इसी ग्रूमिंग एकेडमी के अंडर में हमने देखा कि काफ़ी शोज़ ऐसे होते हैं जो बच्चों को मौका नहीं मिल पाता छोटे शहरों से, क्योंकि हम लोग अभी तक दिल्लीज़ वगैरह में शोज़ करते आए हैं, तो मुरादाबाद हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम लोग मुरादाबाद के बच्चों को ये चांस दे रहे हैं। तो ये कब कराने वाले हैं, कोई ऑडिशन कराने वाले हैं? अभी हमारा 10 जून से इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, कोई भी बच्चा ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है।
क्या करेगा वो ऑनलाइन जाके किस चीज़ को लॉग इन करेगा? AGSAwards.com वेबसाइट ओपन करेगा, उसमें एक मुरादाबाद मिस नेक्स्ट टॉप मॉडल का पेज है, जैसे वो पेज को क्लिक करेगा एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के साथ ही उसकी मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा। 10 जुलाई से हमारा ऑडिशन स्टार्ट है, जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया उनको हम लोग ऑडिशन के लिए इनवाइट करेंगे, उन्हीं में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हर एक कैटेगरी में हम लोग 20 पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिस एंड मिसेस। इसमें एक खास बात ये भी है कि हमने इसमें मिसेस कैटेगरी भी रखी है, जो शायद मुझे लगता है आज तक मुरादाबाद में नहीं हुई है। इसमें हाउसवाइफ को भी हम लोग चांस दे रहे हैं, वो लोग किचन से डायरेक्ट रैंप पे आ सकते हैं। अब तक कितने शो आप करा चुके हैं, कौन कौन से जगह? अगर हम बात करें कंपनी के खुद के ऑर्गेनाइज शोज तो हम लोग साल में एक या दो ही शो कराते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी कंपनी स्पॉन्सर भी करती है, और अब तक हम लोग 100 से ज़्यादा फैशन शोज और लगभग इतने ही डांसिंग इवेंट और सिंगिंग इवेंट को स्पॉन्सर कर चुके हैं। हम लोग 2 टीवी रियलिटी शोज को भी स्पॉन्सर कर चुके हैं। आपका फिनाले जो होगा वो कब तक होने के हमारा फिनाले सितंबर में होगा, मुरादाबाद में ही होगा। जो विनर होगा उसको कुछ देने के रहने की तैयारी? जी, विनर के लिए आज हमने क्राउन लॉन्चिंग भी किया है, जैसे कि आप क्राउन देख सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग विनर्स को एक साल के लिए अपने साथ ब्रांडिंग एंड प्रमोशन देंगे, हर महीने उनको एक शो देंगे एज अ गेस्ट एज अ जूरी, और उसको डेली इन्वाइट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अपने विनर्स को पेड असाइनमेंट भी देंगे, उनको मौका देंगे वो एड शूट में काम करने का, कवर सॉन्ग्स में काम करने का और शॉर्ट फिल्म में काम करने का।